नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम चौहान आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मलकीत की 897 जो ये कंबाइन है, ये एक छोटी जो 36 इंच में जो आती है, तो ये 36 इंच में जो है इसका ड्रम साइज़ है। तो ये छोटी जो है मशीन खासकर जो है महाराष्ट्र में वगैरह जो है तुअर के बीच जो सोया होती है उसको हार्वेस्ट करने के लिए जो है ये मशीन बनाई हुई है। तो ये यहाँ पे अगर हम इसकी कटर बार की अगर बात करें तो इसका 6.5 फीट का एक यहाँ पे कटर बार है, तो 6.5 फीट में जो है ये कटिंग आपको करके दे देगी। तो महाराष्ट्र में जो होता है ये 9 फीट या 9.25 फीट में जो है वो तुअर होती है, और बीच में जो है वो 6 लेन जो होती है वो सोयाबीन की होती है। तो ये जो मशीन है ये काफ़ी अच्छे से जो है उस 6 लेन को भी जो है सोयाबीन की वो अच्छे से ये कटिंग करके आपको दे देगी, और बाजू में जो आपकी जो तुअर होती है साइड में, तो वो तुअर को भी ये डैमेज नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो बाहर की जो ये लेंथ है वो काफ़ी कम रखी गई है ताकि तुअर को भी ये डैमेज ना कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम टायर की अगर बात करें तो 16x28 के टायर है, और अगर मैं इंच की अगर बात बताऊँ आपको, इंच में अगर कैलकुलेट करके बताऊँ तो 91 इंच का जो है यहाँ से ये बाहर की साइड, ये बाहर की साइड से लेके ये वाली बाहर की साइड टायर की, तो ये जो है आपको ये 91 इंच में जो है आपको ये टायर की साइज़ देखने को मिल जाएगी, जिससे कि ये जो है तुअर के ऊपर ये ना चले, इसलिए जो है इसकी जो साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन की गई है। तो यहाँ पे 36 इंच का इसका ड्रम साइज़ है, और इसके अंदर जो है आपको अशोक लेलैंड का 76 HP का जो है 4 सिलेंडर का जो है आपको इंजन देखने को मिलता है। और क्वालिटी की अगर बात करें हम बिल्ड क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो है वो शानदार क्वालिटी मुझे लगी है यहाँ पर। मैंने जो है ये अभी ये लेने का हम प्लान बना रहे हैं, तो मैंने प्रीत की जो कंबाइन है वो भी मैंने देखी है, तो दोनों जो है वो कंबाइन अपनी अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मलकीत की जो कंबाइन है वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी प्रीत के कंपैरिजन में। तो वो भी मशीन अच्छी है, लेकिन अगर हम प्रीत की एक देखें तो एक जो ब्रांड है जो ये है वैल्यू जो है ब्रांड वैल्यू, तो वो काफ़ी एक अच्छी है, और क्वालिटी जो है मटेरियल की क्वालिटी वो भी काफ़ी जो है वो अच्छी है, और प्रीत की भी जो है वो भी अच्छी है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अपनी पर्सनल अगर चॉइस अगर देखें तो मुझे जो है मलकीत जो है वो अच्छी लगी। तो यहाँ पे आपको 2 कटर बार देखने को मिलेंगे, वो जो आप पीछे जो कटर बार देख रहे हैं वो 10 फीट की कटिंग करता है, तो उसकी कटिंग विड्थ मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप लेंथ देखेंगे तो 10 फीट से उसमें 1 या 1.5 जो फिट है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो 10 फीट की आपको कटिंग करके देगा, और ये जो सामने वाला जो कटर बार है ये आपको 6.5 फीट की कटिंग जो है वो कटिंग करके देगा। तो यहाँ पे अगर आप टायर की अगर हम बात करें तो इसमें 16x28 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, और ज़्यादातर जो है इसमें जो पार्ट है वो बड़ी गाड़ी के यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ये अगर आप चेंजर वगैरह आप देखेंगे तो ये काफ़ी हेवी एक चेंजर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो बड़ी गाड़ी में यूज़ होता है वही जो है इस गाड़ी में भी यूज़ किया गया है, ताकि स्पेयर पार्ट की जो है वो कोई दिक्कत आपको ना आए। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो 76 HP का जो है आपको अशोक लेलैंड का जो है वो आपको इंजन मिल जाएगा, जो भारत के नॉर्म्स के मुताबिक जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पीछे की बात करें तो 4 स्ट्रॉ वॉकर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये स्ट्रॉ वॉकर जो है आपको ये 4 स्ट्रॉ वॉकर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और सीप जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो लंबी वाली सीप जो है इसमें दी हुई है। और पीछे वाला हिस्सा अगर आप एक्सल का देखेंगे तो ये भी काफ़ी जो है वो हेवी हिस्सा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे ये मोरनी की अगर बात करें तो मोरनी भी काफ़ी जो है ये हेवी दी हुई है, और जैक सिस्टम भी जो है इसमें काफ़ी अच्छा हेवी दिया हुआ है। तो क्वालिटी में जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और यहाँ पे ये कटर बार काफ़ी अच्छा मटेरियल, काफ़ी हेवी इसमें जो है वो बनाया गया है। तो ये बातें जो है ये इस कंबाइन की है। तो मैं थोड़ा आपको अगर ऊपर से दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर का जो व्यू है वो काफ़ी एक अच्छा है, आगे जो है आपको कटर बार जो है वो आगे से क्लियरली जो है वो विजिबल है, तो आपको ये काफ़ी अच्छा जो है यहाँ से व्यू मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपको एक्सेलेटर देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे ये आगे की तरफ जो है वो रिवर्स का गियर है, यहाँ पे रिवर्स और फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, और सेकंड और थर्ड जो है वो इस लीवर में दिया हुआ है, और साथ ही जो है यहाँ पे आपको हाई लो यहाँ पे आपको करने को मिल जाएगा, यानी हाई ये जो कटर बार है वो आप इससे जो है वो अप डाउन इससे कर सकते हैं, इससे जो है चेंजर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये जो है रील का दिया हुआ है, तो रील के ऊपर भी जो आपको सिलेंडर देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप रील की जो हाइट है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये आप देख पा रहे हैं। तो पीछे अगर हम ग्रेन टैंक की अगर बात करें तो ग्रेन टैंक एक छोटी कंबाइन होने के बावजूद भी जो है ग्रेन टैंक जो है वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तकरीबन जो है इसमें 8 से 9 क्विंटल का जो है वो अनाज इसमें स्टोर हो जाएगा। और साथ ही इसमें आप ये देख पा रहे हैं इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा है, अशोक लेलैंड का इंजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे के साथ बिल्कुल से शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।